15 फरवरी को 2024 को बंद होगा, फिर 15 मई 2024 को चालू करेंगे। उस बीच में जो रुद्राक्ष महोत्सव है वो 7 मार्च से 13 मार्च तक होगा, जिसमें बाबा की कथा, भंडारा, भोजन, बाबा का अभिषेक, पूजन, अर्चना, जो नियम है रुद्राक्ष उत्सव का वो सब होगा। और उसका लाभ लेना है आप सबको, जो जो कथा सुनते हैं सब प्रेम से पधार कर कथा का लाभ लेकर आपकी जिंदगी को सार्थक कर दे, आनंदित। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। शिव तत्व को धारण करें, जब हम भगवान शंकर के आनंदित तत्व को धारण करते हैं तो शिव हमारे साथ चलता है। अकेले चलोगे तो सब दूर देखना पड़ेगा, और पिता के साथ चलोगे तो कहीं नहीं देखना पड़ेगा। शंकर को जल चढ़ाओ तो ये समझ लो कि आपने शंकर को अपना हाथ पकड़ा दिया, और आपका पिता आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, वो आपको मंजिल तक पहुंचा रहा है। भटकोगे नहीं, भटकना नहीं। वो माँ लिख रही है कि मेरे बेटे के लिए डॉक्टर, परिवार वालों ने कह दिया था पैसा खर्च मत करो, ये तो बॉडी है केवल, ले चलो अभी इसको।